तीन लोक दंग है, देवता प्रसन्न है। तीन लोक दंग है, देवता प्रसन्न हो। राम जी की सेना चली, हो राम जी की सेना चली, राम जी की सेना। बनवासी छोकरे, अब भी कहता हूं यहां से भाग जा। आधी सेना तो मैंने तेरी कुचल दी है, आप तेरी और तेरे छोटे भाई की, देश ने मेरी बहन की नाक और कान काटे हैं, मैं इसको भी मजा दूंगा। हे दुष्ट राक्षस, सावधान, अनीति के मार्ग पर चलता है और विजय की सोचता है। देख मेरे वाण, मेरे वाण अब तेरे मृत्यु का कारण बनेंगे कुंभकर्ण। भनाट के काट के पुतले, भूखता हूं आत्मा, मौत का प्रणाम करो। मैं हूं कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए, यदि शंकर भी आकर मदद करें तो शंकर जी की ही साक्षी है। इस रण में तुझे संघारूंगा, बस यही मन में ठानी है। सभी राम भक्तों से अनुरोध है, एक बार सारे मिलकर जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, हर हर महादेव, हर
बड़ा ही शुभ समाचार सुनाया है। आज रावण का भाई कुंभकर्ण मेरे प्रभु राम के हाथों मारा गया। मेरे प्रभु सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं माता, और यह दुष्ट राक्षस असत्य के मार्ग पर चल रहा है। इतना बाहुबली होने के बाद भी यह दुष्ट राक्षस मेरे प्रभु का कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि माता तुम तो जानती हो जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह सत्य की लय पकड़कर बड़े बड़े समुद्र पार कर जाता है। परंतु यह अभिमानी राक्षस अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, और उस अधर्म के कारण ये अपनी समस्त लंका का नाश करवाएगा। तुम तो जानती ही हो माता, विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। जब किसी का विनाश अपने सम्मुख होता है ना, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है माता। वह अधर्म को ही अपना उचित मार्ग मानता है, और यही एक कारण है उसका शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण मारा गया। माता जैसा कि तुमने मुझे बताया, कुंभकर्ण ने रावण को समझाया भी, परंतु रावण ने कुंभकर्ण की एक भी बात ना मानी और उसे युद्ध स्थल में भेज दिया। हे माता, कुंभकर्ण तो अपने भाई की आज्ञा का पालन कर रहा है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है, परंतु यदि वे आज्ञा अधर्म के मार्ग के लिए हो तो वह कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वह धर्म के आगे सदैव अपना शीश झुका देती। यही कारण है माता, उस बाहुबली कुंभकर्ण का वध मेरे प्रभु श्री राम के हाथों हुआ। परंतु माता अब तो मुझे यह भय है कि वो रावण अपने जीते जी ना जाने कितने वीरों का उस युद्ध की अग्नि में आहुति देगा। सावधान, लंकाधिपति त्रिलोक विजयी दशानन श्री महाराज लंकेश्वर महाराज रावण सभा में पधार रहे हैं। Yeah.
महाराज, अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है, हमारे हमारे चाचा। क्या हुआ कुंभकर्ण को? महाराज बोलते क्यों नहीं? महाराज, कुंभकर्ण जी वीरगति को प्राप्त हुए। असंभव है। सेनानायक, यदि ये समाचार असत्य हुआ तो इस कठोर कृपाण से तेरा शीश उतार लूंगा। महाराज, यही सत्य है महाराज कि कुंभकर्ण जी वीरगति को प्राप्त हुए। कुंभकर्ण पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दे। पहले तो वह छोटा तपस्वी मेरे बाणों से बच गया, परंतु पिताश्री, मैं चाचा कुंभकर्ण के मृत्यु का बदला लेके आता हूं। पुत्र मेघनाथ, जाओ और उन तपस्वियों को इस भूमि में मिला दो। पिताश्री, जय शंकर की। जय शंकर की। रो वही नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बकानी। मेघनाथ ते अब सर आयो, कहु बहु कथा पिता समुझायो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन प्रभु। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ वल अतुल उदारा। मेघनाद मख करै पावन, खल माया भी देव सतावन। युवराज मेघनाद की जय हो।
युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की। प्रभु, अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि आज रावण ने कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र मेघनाथ को इस रण क्षेत्र में भेजा है। भ्राता श्री, आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस दुष्ट राक्षस का अंत कर दूंगा। हे लखनलाल जी, मेघनाथ बड़ा ही मायावी है, उस पे इतना आसानी पूर्वक विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, इस कारण उससे आप सावधान होकर युद्ध करना। जय श्री राम, जय श्री राम। युवराज मेघनाथ की। हे प्रभु, मेरी समस्त सेना आपके लिए समर्पित है। चलिए प्रभु, हम आपके साथ चलते हैं। युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ के, युवराज मेघनाथ के, युवराज मेघनाथ के। सैनिको, देखते क्या हो, आक्रमण राम और महासंग्राम।
प्रसन्न है। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना फली। राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, आज तुम्हें अवश्य मृत्यु के ध्वज सुना दूंगा। जय श्री राम। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर मेले कर बाण चले, कर मेले कर बाण चले, लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले, सेना संग। मेघनाथ की माया है, माया सुग्रीव नील नल अंगद छाती कान चले, अंगद छाती कान चले, उसे बचाए कौन की जिसका पद करने। आओ मौत के खरीदारों, आज तुम्हें मैं यही मिट्टी में मिला दूंगा। पूर्व में मैंने
इस छोटे तपस्वी पर ब्रह्मफाश का प्रयोग किया था, ब्रह्मफाश का प्रयोग किया था, और ये पुनः जीवित हो गया, और आज तो इसका बड़ा भाई भी युद्ध स्थल में आया है। मैं इन दोनों को ही समाप्त मैं अभी नागफाश का प्रयोग कर इन दोनों के प्राण हर लेता हूं। शस्त्र आरंभ। ओम नागपाश शस्त्र आरंभ। ये नागपाश है नागपाश, इसका मारा फिर शुद्ध होता, दिन अपने प्राण कहता है। चलो सैनिकों, जानता था हनुमान जी ये मेघनाथ माया भी है, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए यह कुछ भी कर सकता है। आज इसने मेरे प्रभु श्री राम और लखनलाल जी पे नागपाश का प्रयोग किया है। अरे हे विभीषण जी, यदि कुछ उपाय हो सकता है तो आप कृपया करके बताइए। सुनिए हनुमान जी, हे जामवंत जी, आप ही कोई मार्गदर्शन करें, आप तो विद्वान हैं जामवंत जी। मेरे प्रभु के प्राण किस प्रकार बच सकते हैं जामवंत जी? हे हनुमान जी, ये नागपाश है, यदि इसका कोई तोड़ है तो केवल करुण देव
हमें सबको गरुड़ देव की स्तुति करनी चाहिए ताकि वो आकर हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण को इस नाग पाक से मुक्त कर सके। हे जाम्बन जी, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। तो हम सारे मिलकर गरुड़ देव की स्तुति करते हैं। ठीक है जाम्बन जी। ॐ विष्णु देवा विष्णु नमामि शांताकारं 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 विष्णु नमामि विष्णु नमामि शांताकारं विष्णु नमामि शांताकारं विष्णु नमामि गरुड़ देवी हैं जो काट सकते हैं, तो समस्त वानर सेना महाराज विभीषण जामवन जी महाबली हनुमान जी सभी स्तुति करते हैं और आज्ञा करते हैं कि उनके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्राण बच सके। वहीं आकाश मार्ग से गरुड़ देवता विनय सिंह रामा दल की ओर आ रहे हैं। विष्णु नमामि शांताकारं 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 विष्णु
और सभी वानर दलों ने गरुड़ देव की प्रार्थना की। हनुमान, विभीषण, चामन जी, नल, नील, अंगद जी सभी ने अपने हृदय से गरुड़ देव को पुकारा और गरुड़ देव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और गरुड़ देव रामादल में उड़ते हुए श्री राम और लक्ष्मण की सहायता के लिए पहुंच गए। विष्णु नमामि शांताकारं, विष्णु नमामि शांताकारं, विष्णु नमामि शांताकारं, विष्णु नमामि शांताकारं। ये देखिए गरुड़देव आ गए, उन्होंने हमारी पुकार सुन ली। हे गरुड़ देवता, आप देखिए ना हमारे प्रभु को। इस बंधन से मेरे प्रभु को शीघ्र मुक्त कराए। मैं अभी देखता हूं, दिखाई है हनुमान, कहाँ है राम और लक्ष्मण? मैं अभी उन्हें इस लापाश से मुक्ति दिलाता हूँ। आपने मुझ पर किया है प्रभु, मैं धन्य हूं जो आपके किसी कार्य में आपका सहायक बन सका। हे गरुड़ देवता, आपने ये कार्य करके मुझे अपना ऋणी बना दिया है। अच्छा भगवान, अब मुझे आज्ञा दे। प्रणाम। तुम्हारा कल्याण। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। लखनलाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। विष्णु नमामि शांताकारं, विष्णु नमामि
और सभी आए इतने राम भक्त हैं उनसे प्रार्थना है, यदि आपको सीन अच्छा लगे तो एक बार ताली बजा दीजिए, इससे सभी कलाकारों का थोड़ा उत्साह बढ़ता है। ये आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां ही हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सावधान लंकाधिपति त्रिलोक विजय महाराज रावण सभा में पधार रहे हैं, क्षेत्र से कोई समाचार प्राप्त हुआ क्या? महाराज, युवराज मेघनाथ ने नागपाश का प्रयोग किया और राम लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। ओ, बात को इसका तात्पर्य ये हुआ, पुत्र मेघनाथ ने उन तपस्वियों पर विजय प्राप्त। महाराज, तो ऐसे हर्ष के समय में नृत्य का आयोजन किया जाए। महाराज की जय हो। गौ सेवक, क्या समाचार है? महाराज, युवराज मेघराज ने जिस शक्ति का प्रहार उन तपस्वियों पर किया था, उन शक्तियों से वे दोनों पुनः जीवित हो गए हैं। मेरा ये प्रयास भी विफल गया। काशी, अब मैं अजय यज्ञ करने जा रहा हूं। वहां मैं निगमलाम माता से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे
विजय का वरदान दे। पुत्र मेघनाथ, ये दोनों तपस्वी साधारण नहीं है, और फिर उनके पास हमारा भाई विभीषण भी आए। वह हमारे भेद उन तपस्वियों तक पहुंचाता है। जब तुम यज्ञ करोगे तो निश्चित ही वह भी तुम्हारे यज्ञ को विफल करने के लिए कोई ना कोई युक्ति जरूर सुझाएंगे। इसलिए हे पुत्र मेघनाथ, तू समस्त सेना नायक को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। पिताश्री, जय शंकर की। पिताश्री, आज मैं अपनी समस्त शक्तियों से उन दोनों तपस्वियों का अंत कर दूंगा। मैं अभी यज्ञ करने जाता हूं पिताश्री। विजय भव। परंतु पुत्र मेघनाथ, रुको। यदि तुम्हारे यज्ञ में उन तपस्वियों की ओर से कोई विघ्न आया तो भी तुम भय मत खाना। उन दोनों तपस्वियों से युद्ध करते समय छल बल जो भी युक्ति हो उसका प्रयोग करना, और उन दोनों तपस्वियों का अंत करना। जाओ पुत्र मेघनाथ, विजयी हो। आओ सैनिको। जय श्री राम। रावण को समाचार प्राप्त होता है कि मेघनाथ ने जो नागपात राम और लक्ष्मण पे उपयोग किया था उस बंधन से वे दोनों मुक्त हुए। तब मेघनाथ क्रोधित हो रावण से कहता है कि हे पिताश्री, अब मैं निकुंभला माता का यज्ञ करने जा रहा हूं और माता से यज्ञ में विजय का वरदान प्राप्त करूंगा, क्योंकि निकुंभला माता से विजय का वरदान प्राप्त करने के पश्चात मेघनाथ पे विजय पाना किसी के लिए भी असंभव है। यह समाचार विभीषण प्रभु श्री राम को देते हैं कि हे प्रभु, यदि मेघनाथ अपने यज्ञ में सफल हुआ तो उस पर विजय प्राप्त करना इस रामा दल के लिए असंभव हो जाएगा। प्रभु श्री राम मेघनाथ का यज्ञ विफल करने के लिए हनुमान और लक्ष्मण को भेजते हैं। वहीं अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे
माता जानकी बड़ी ही दीनहीन अवस्था में बैठी है और त्रिजटा से संवाद कर रही हैं, अपने हृदय की व्यथा सुना रही हैं। तो चलिए चलते हैं माता जानकी के पास अशोक वाटिका में। जय श्री राम। वह दुष्ट राक्षस तो बड़ा ही हठी है माता, और उससे भी बड़ा दुष्ट है उसका पुत्र मेघनाथ। छल कपट सबका प्रयोग कर रहा है। इस अधर्म के युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए परंतु माता, मैं यह नहीं समझ पा रही हूं मेघनाथ तो भली भांति जानता है माता, उसके पिताश्री अधर्म के मार्ग पर हैं, फिर भी वह मेघनाथ अपने पिता के कहे अनुसार रामा दल पर आक्रमण पर आक्रमण करते जा रहा है। माता, पहले आपने बताया कि मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण पर ब्रह्मपास का प्रयोग किया है, जब वह शस्त्र काम न आया फिर उस कपटी मेघनाथ ने मेरे प्रभु राम और भैया लक्ष्मण पर नागपास का प्रयोग किया और जब यह शस्त्र भी उसका विफल हो गया तो माता, अब वह अजय यज्ञ करने जा रहा है। मैं बड़ी चिंतित हूं माता, यदि मेघनाथ अपने यज्ञ में सफल हुआ तो माता, न जाने उस युद्ध का क्या परिणाम होगा। परंतु माता, मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास है, चाहे वो कपटी मेघनाथ कुछ भी कर ले, चल तो अधर्म के मार्ग पर ही रहा है ना। जब धर्म और अधर्म का युद्ध होता है तब विजय हमेशा धर्म की ही होती है। माता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस युद्ध में भी विजय मेरे आराध्य की ही होगी। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे ये युद्ध विकराल रूप लेता जा रहा है, मेरे मन में बड़ी ही व्याकुलता हो रही है। मेरे प्रभु पर कभी कोई संकट ना आए। हे प्रभु,
आप सकुशल रहे। हे विधाता, इस युद्ध में मेरे प्रभु की सहायता करना। अपने पिता रावण से यज्ञ की आज्ञा लेते हैं और वह अपने सेनानायकों सहित यज्ञ के लिए जाता है। वहीं विभीषण जी ये समाचार प्रभु श्री राम को देते हैं कि मेघनाथ अजय यज्ञ करने जा रहा है। यदि वे अपने यज्ञ में सफल हुए तो मेघनाथ पर विजय प्राप्त करना असंभव है। तो चलिए चलते हैं रामा दल के पास, जहां प्रभु श्री राम अपनी समस्त सेना सहित बैठे हैं और मेघनाथ का समाचार प्राप्त कर वे हनुमान को क्या आज्ञा देते हैं। अभी समाचार प्राप्त हुआ है, मेघनाथ अजय यज्ञ कर रहा है। प्रभु, यदि वह इस यज्ञ में सफल हो गया तो उसमें विजय प्राप्त करना असंभव है। लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण, तुम हनुमान को अपने साथ लेकर जाओ और उसके यज्ञ को नष्ट कर दो और आज उस मेघनाथ का अंतिम दिन होना चाहिए। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं लक्ष्मण, जाओ और उसका वध करो। हे प्रभु, आपका आशीर्वाद है तो ये सिंह आज रण क्षेत्र में अपनी समस्त शक्तियों के साथ युद्ध करेगा। सौगंध मुझे आपके चरणों की, उसको समाप्त करके ही मैं रामादल में लौटूंगा।
लक्ष्मण, मेघनाथ तपस्वी है, मायावी है, बलशाली है, वरदानी है, और वो एक नारी व्रत वाला है। उसकी एक ही नारी है, वो योगी अपने योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है और पुनः अपने प्राणों को अपने शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। हे लक्ष्मण, इस कारण ऐसे योद्धा को उसके तन को छिन्न भिन्न कर देना, किंतु उसके शीश को सादर सम्मान रामा दल में लेकर आना, क्योंकि उसका शीश एक पति व्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री का है। यदि वो शीश भूमि पर गिरेगा तो ये पूरा संसार भस्म हो जाएगा। भैया राम, आप मुझे आज्ञा दें, आज उस दुष्ट राक्षस का अंतिम दिन है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जितने भी हथियार थे उसने चला लिए, आज मेरे शस्त्रों के आगे एक बाण भी उसका काम नहीं आएगा। अच्छा भ्राता, मैं अब जाता हूं। विजय भाव। रघुपति चरण नाय सिरो चले तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम। यज्ञ करने जा रहा हूं, तुम सावधानी पूर्वक पहरा देना। जो आज्ञा महाराज। मेरे इस भवन में कोई प्रवेश न कर सके। जो आज्ञा। सजगता से पहरा देना, चारों ओर फैल जाओ। जो आज्ञा कुमार।
जाए कपी ने सो जाए कपी ने सो तुझे भी उल्टी समाई है जो आज बैरी का पक्ष लेकर मुझे निस्सहाय छोड़ दिया। पर कोई चिंता की बात नहीं, विधाता यदि आज तू मेरे विपरीत भी रहे तो भी मैं अपने पूर्ण बल से इस तपस्वी से युद्ध करूंगा। ओ छोटे तपस्वी,
तुझ छोटे तपस्वी, आ और मुझसे युद्ध कर। अरे ओ दुष्ट राक्षस, आज तेरा अंतिम समय है जो तुझे यहां खींच लाया है। आज तू जीवित नहीं जाने पाएगा। आज तू मेरे बाणों से अपने प्राणों की रक्षा कर। जय श्री राम। जय श्री राम। लीला में आए हुए समस्त राम भक्तों को आज लवकुश रामलीला कमेटी की तरफ से सूचना दी जा रही है कि आपके समक्ष अपूर्वा फिल्म की स्टार कास्ट तारा सितारा जी, राजपाल यादव जी, निखिल नागेश भट्ट जी प्रस्तुत हैं। तारा सतारिया जी, राजपाल यादव जी और निखिल नागेश भट्ट जी आज आपके सामने रामलीला के बाद आपके समक्ष रहेंगे। तो चलिए चलते हैं जहां मेघनाथ और लक्ष्मण युद्ध कर रहे हैं। ओ राम जी की सेना चली, 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 राम जी की सेना चली। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली।
जय श्री राम। धर्म की अधर्म पर विजय हुई। लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया और जैसे कि प्रभु श्री राम ने भैया लक्ष्मण को आज्ञा दी थी कि तुम मेघनाथ का शीश सादर रामादल में लेके आना, तो लक्ष्मण मेघनाथ का शीश उतार लेते हैं और शीश को लेके रामादल की ओर जाते हैं। वहीं सुलोचना अपने भवन में बैठी हैं, जो मेघनाथ की स्त्री हैं। वहां पे उन्हें सूचना प्राप्त होती है, तो चलिए चलते हैं सुलोचना के महल में। मंगल भवन अमंगल हार, रामानुज कह राम कह अस कह छाड़े इस प्राण, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद जी में घोर युद्ध हो रहा है। यद्यपि मैं जानती हूं जो पुरुष 12 वर्षों तक भोजन निंद्रा और पत्नी का त्याग करेगा केवल उसी के हाथों मेरे पति देव की मृत्यु हो सकती है। सखी तुम मुझे दिखाओ कहां गिरी है वो भुजा। आइए महारानी जी। Oh
भुजा। यदि मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ और सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, और हे स्वामी, यदि आप मुझे सच्ची दासी जानते हैं, तो हे भुजा, लिखकर मेरा संदेह दूर कर। हे भुजा, लिखकर मेरा संदेह दूर कर। सुलोचना, मैं मेघना, ये मेरी ही भुजा है। सुलोचना, मेरा धड़ लंका के द्वार पर पड़ा है और मेरा शीश रामादल में है। नहीं स्वामी, नहीं। शांत हो जाइए महारानी जी, शांत हो जाइए स्वामी। हे स्वामी, हे स्वामी, आप तो कह कर गए थे आप यज्ञ करने जा रहे हैं, ये कैसा यज्ञ है स्वामी, ये कैसा यज्ञ है? आहुति दे डाली प्राणों की स्वामी, स्वामी। रह गई कहानी जग में, अब पति देव तुम्हारे।